खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, पास से ये पास से जैसा कि आप देख सकते हैं कि सांपों को बचाने का कार्य करते हैं। और ये डब्बा लाइए ना भैया, और क्या है, काटने के बाद आदमी 25 मिनट केवल जिएगा। बड़ा है क्या, बहुत छोटा पड़ रहा है। नहीं नहीं इसमें नहीं आ पाएगा भैया। भैया हाँ उसमें उसमें दुखे। ढक्कन है इसका, ढक्कन पानी से धो दीजिए, पानी से धो दीजिए, पानी से धो दीजिए, पनिया से धो दा है, पनिया धनिया का डब्बा, धनिया का भैया, अरे का डूबेगा वो ढक्कन लगी पास आओ यार, एकदम पास है, अब उसको कलर खड़ा कीजिए ना, हाँ खड़ा कीजिए उसको। खड़ा रहेगा तो भागने की कोशिश कम करेगा। फिर देखो यही रिक, यही रिक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय मैं वाराणसी से काफ़ी दूरी पे आया हुआ हूँ। रात के समय घर के अंदर कोई सांप निकला हुआ है और घर के लोग काफ़ी भयभीत हैं, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ही एक स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको रेस्क्यू करने के लिए हम रात में पहुंच चुके हैं, कम से कम 20-25 किलोमीटर का दूरी तय करके। और आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है, क्या है। सब लोग बाहर हो जाइए, पास पास में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये काफी बिग साइज का एक स्पेक्टल कोबरा है और बहुत ही खाया पिया घर का है और बहुत ही तंदुरुस्त है। अरे सब आ जाइए यार, आप भैया 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 बहुत बड़ा साइज है, बहुत ही बड़ा है। फ्रिज के लगे हैं, आप फ्रिज के लगे हैं, फ्रिज के नीचे हैं। पिंटू भैया भैया आप लाइट कहाँ दिखा रहे हैं, मेरे मोबाइल के सामने दिखाइए। हाँ हाँ तब न अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटती है तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, बहुत और करीब 20 मिनट में इस आदमी की जान जा सकती है, 20 से 25 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं होता है। और लगातार यहाँ रेस्क्यू जारी है, इतने खड़ा हो गया पास से जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी है कोबरा, आप लोग पीछे जाइए, पीछे होइए ना। मदद करवा पहलवान भैया। हाँ पहलवान भैया, अरे जूता कौन सा पहन ले हुआ, जूता जूता कौन पहन ला, जूता ए पहलवान जूता पहन ले।
फोटो भी खींचते रहिएगा, जरूरी है कि मतलब वीडियो हो, फोटो खींचिए। दूर से आइए, दूर आइए, भागना पूरा लीजिए। अरे पूरा छुट्टी को पूरा दीजिए, फिल्मा देखिए भागने का जुगाड़ में है वो, फिल्मा टच कीजिए उस पर, टच कीजिए। ये बोरा को डबल करके लगी। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा कोबरा कभी देखा नहीं था, जितना बड़ा ये स्पेक्टेकल कोबरा है, काफी एग्रेसिव है, बहुत ही खतरा है दोस्तों। देखिए भागने के बाद फिर फ्रिज में जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। यार पीछे आप लोग लगे, भागे भागे भागे। अरे भाई, अरे यार तू पीछे आवा ना, कहा इतना डरा था? रूम में तो सही है पिंटू भैया। पिंटू भाई बरियाई मत करिएगा, थोड़ा सा और पकड़ लीजिए, पूछ निकलने वाला है। बरियाई मत करिएगा, चलिए हटिए हटिए हटिए। अरे भाई हमारे पीछे से आप लोग हटिए ना भाई, पिंटू भाई पकड़े रहिएगा। फोकस करो, अरे अरे डब्बा हुआ है, डब्बा मंगाइए, कोई डब्बा हो, जाइए जाइए डब्बा निकालिए, घर से जाइए डब्बा निकालिए। मैं छेद करा कोई डब्बा में, हाँ डब्बा में लेकाइए, बाद में छेद करेंगे, डब्बा लेकाइए, पाँच किलो का डब्बा, डब्बा निकालिए, बाल्टी नहीं डब्बा निकालिए डब्बा। ये क्या पिंटू भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आओ अंदर आ के, हम मम्मी हमारे अंदर दोस्तों। इतना बड़ा कोबरा मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। हाँ डब्बा दीजिए, अरे वो डब्बा नहीं, प्लास्टिक का डब्बा चाहिए, प्लास्टिक का। भैया फोटो मार लो, आप बनाते रहिएगा। भैया कितना हिला रहे हैं आप, भैया कितना डर रहे हैं आप, मेरे पास आइए ना, कहाँ दूर जा रहे हैं आप? भैया बड़ा डब्बा चाहिए, छोटा डब्बा तो नहीं काम होगा, ढक्कन का इसका ढक्कन देखिए ये क्या का। अरे भाई आप तो डरवा दिए, ये भाई दूसरा डब्बा लाइए ना, बड़ा वाला डब्बा नहीं है किसी के पास, इससे बड़ा डब्बा आप लोग लाइट लेते रहते रहिए क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू जारी है, और थोड़ी सी भी सावधानी हटती है तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। फिलहाल आज मैं यहाँ मौजूद हूँ
और आज सामने रेस्क्यू जारी है और इस तरह का रेस्क्यू हम लोग लगातार करते हैं, सांपों को बचाने का लगातार हम लोग कार्य करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से सांप फट काट रहा है और लगातार डंक मारने की कोशिश कर रहा है, जूते से दूर रखेंगे और लगातार लोग यहाँ अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं इस सांप की तस्वीर को। और लगातार हम लोग सांपों को बचाने का कार्य करते हैं। और ये डब्बा लाइए ना भैया, डब्बा लाइए भैया, डब्बा लाइए, बहुत ज्यादा देर तक हो गया, लाइए डब्बा भैया लाइए, अभी छूटेगा तो किसी को काट टूट देगा। हाँ भागने की कोशिश, डब्बा लाइए। दौर क्या है? काटने के बाद आदमी 25 मिनट के उलझिएगा, इसके काटने पे 15 मिनट। पंद्रह मिनट डब्बा मंगाइए, क्या हुआ डब्बा? अरे वो डब्बा नहीं चाहिए यार, छोटा मुंह चाहिए उसका। क्या भैया डब्बा एक नहीं रखे आप लोग? देखिएगा सावधानी से, हाँ हाँ वो वाला डब्बा ले लीजिए। बड़ा है क्या? बहुत छोटा पड़ रहा है। नहीं नहीं इसमें नहीं आ पाएगा भैया, भैया हाँ उसमें उसमें देखिए ढक्कन है इसका, ढक्कन पानी से धो दीजिए, पानी से धो दीजिए, पनिया से धो दाए, पनिया धनिया का डब्बा, धनिया का भैया अरे क्या धोएगा, वो ढक्कन लगी पास आओ यार, एकदम पास है, उसको कलर खड़ा कीजिए ना, हाँ खड़ा कीजिए उसको। खड़ा रहेगा तो भागने की कोशिश कम करेगा। फिर देखो यही देख, यही देख, बसंती भैया चैनल का अपने नाम बता दे, बता दे पैनल देखा लग ली। अरे बन जाइए, एक तो सेकंड ना लगी मैंने, वो सामने से लो, ये छेदा भी है क्या? हाँ तब वो निकलेगा नहीं, बीख निकली। चलिए बोलिए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिएगा डब्बे में कोई छेद नहीं ना? नहीं नहीं छेद नहीं, छेद ना, नहीं ना, देखिएगा आगे मुंह आगे का है, निकलने का है, आगे का मुंह रबा करा ला।
कहाँ लग गया देखिएगा मुंह नीचे ला रहा है भैया वो कोई बात नहीं मेरे सीधा कीजिए उसको धीरे से उठा के तब ढक्कन सटाइएगा मुंह उसको आने दीजिए दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि इसको सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और इनके वातावरण में अनुकूलित वातावरण में इनको रिलीज किया जाएगा और काफ़ी ही बड़ा सांप था बहुत मेहनत के बाद पकड़ाया है और आप लोगों से गुजारिश है कि ये सांप अगर कभी भी बाइट करता है तो आप लोग को सीधे हॉस्पिटल जाना है अपने ब्लॉक पे जाइए सरकारी हॉस्पिटल जाइए या कहीं भी जाइए अब बिना देर किए हुए किसी झाड़ फूक में मत पड़िएगा क्योंकि उनके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो कि आदमी को हमारे जैसे आदमी को मारने के लिए 15 से 20 मिनट काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा अगर आप झाड़ फूक में जाएंगे समय कमाएंगे तो आप लोगों की जान जा सकती है। और अभी तक तो फिलहाल मैंने इतना बड़ा कोबरा अभी तक नहीं रेस्क्यू किया था लेकिन ये पहली बार मेरा रेस्क्यू है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और कहाँ से आया कैसे आया नहीं बताया जा सकता। शीशी का ढक्कन है ना रस्सी बांध दीजिएगा अभी सब लोग नजदीक आके देख लीजिए एक एक